लड़की रात को घर से निकल जाए तो क्या उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं या फिर उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है? हाँ। शरीफ घर की लड़कियां यूं रातों को बाहर नहीं निकला करती। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। पहले तुमने मुझसे दोस्ती की, दोस्ती को चार दिन भी नहीं हुए कि प्रपोज कर दिया, और फिर जब प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गई। फिर आज क्यों बोल रहे हो ये सब मुझे? अपनी फैमिली के आगे वो क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? कहाँ जा रहे हो? मॉम, डैड, डैड वहां पे हीर को उल्टा सीधा सुना रहे हैं, उन्हें रोकने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब उस लड़की के लिए तुम अपने पिता से लड़ोगे? मॉम, डैड हीर की ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप प्लीज रोकिए उन्हें। इंसल्ट? इंसल्ट इसे नहीं कहते। अभी तो उस लड़की को पकड़ के हरक सिंह के घर लेके जाऊंगी और वहां सबको बेइज्जत करूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा इंसल्ट किसे कहते हैं। मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। करूंगी। और बेटा, करने को तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूं तो तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ। तुम बस जाओ यहां से, कोई कुछ नहीं सोचेगा। ए लड़की, मेरे बैग में क्या है? ये नहीं, बीते हुए कल की कुछ गलत फहमियां हैं। संतवक्ष सिंह, वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए वो छोटे ही रहते हैं, और इसलिए उनके फैसलों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। आओजी, रात बहुत हो गई है, आप जाके सो जाइए। और वैसे भी मैं आपका भाषण सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये भी सही है, वो क्या होता है जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी सीख भी भाषण लगने लगती है। कोई ना, मैं तो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि तेरे बच्चे अब बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, उनके साथ बड़ों जैसा व्यवहार कर। बाबूजी, ये मेरे बच्चे हैं और इनके साथ कैसा बर्ताव करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पर शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ बाबूजी, आप मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन आपसे मुझे मिला क्या है? सारी दुनिया आपको डीएसपी संत बख्श के बाप के नाम से जानती है, ना कि मुझे आपके बेटे के नाम से। तो ये सलाह वाला जो है ना, ये तो आप मुझे दीजिए ही मत। भाऊजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को उतनी मेहनत करनी पड़े जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी थी।
एक विरासत छोड़ के जाना चाहता हूं मैं उनके लिए, विरासत। विरासत अच्छा। प्लीज दरवाजा खोलिए। देवर जी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? देवर जी प्लीज दरवाजा खोलिए, बस एक बार, प्लीज एक बार मेरे कहने पे दरवाजा खोल दीजिए। विराट विराट, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं खाना भाभी, भूख नहीं है। भाभी इतने सालों से बिना कुछ खाए कैसे सह रहे हो आप इनका टॉर्चर? हाँ विराट, आप खाना नहीं खाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? खाली पेट सोने से तबीयत खराब हो जाती है। तो हो जाने दीजिए भाभी, वैसे भी इस घर में किसे परवाह है मेरी या मेरी तबीयत की? नहीं खाना मुझे। मैं तो खाऊंगी खाना, क्यों ना खाऊं? उस लड़के के लिए जिसके बारे में मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला, मुझे सबके सामने उसने नीचा दिखाया। नहीं हीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हीर तू ना बिल्कुल बेवकूफ है, तुझे इंसान पहचानना आता ही नहीं है। गुलाबो प्लीज आ जाओ ना, देख रही हो ना तुम, तुम्हारे बिना मैंने अपनी लाइफ का क्या हाल बना लिया। अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना, प्लीज आ जाओ ना प्लीज। विराट सिंह पहाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। लड़कियों को बेवकूफ बनाओ, गाओ नाचो डीजे बजाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। मैं तो खाऊंगी खाना, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे लिए। Congratulations, everyone! अरे कहाँ गए सब? अरे मेरी एंगेजमेंट पे और मेरी तैयारी पे। अरे सब कहाँ गए? विराट। अरे आप लोग सो क्यों रहे हो? अरे एंगेजमेंट है मेरी, तैयारी करो, डांस की प्रैक्टिस करो। चलो मैं ही कर लेता हूं। विराट
क्या कर रहे हो तुम? अरे म्यूजिक चला रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? यहीं पड़ा रहने दो आज। चलो सब अंदर। चलो करना पुत्र, मैं कुछ नहीं कर पाया। विराट, विराट बेटा उठ, विराट, विराट उठ। दादू, मैं यहाँ कैसे आ गया? बताता हूँ, चल। हाँ याद रखना, डेकोरेशन का सामान लेते समय याद रखना कि हर एक चीज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और हाँ डेकोरेशन हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, समझे? ओके। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। अच्छे से सजाओ धजाओ, घर का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। सुनिए, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां हो जाएगी क्या? सब हो जाएगा। अच्छा सुनिए, वो डीआईजी शादी के बाद आपका प्रमोशन तो कर देंगे ना? मैंने कहा ना तुमसे, सब हो जाएगा। डीआईजी साहब मेरा प्रमोशन कर देंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम शादी के काम पे ध्यान दो। भाई छाती ठोक कर शादी करेंगे लड़के वाले जो हैं, और चलेगी तो हमारी ही। आज जाकर डीआईजी से मिलकर आता हूं। बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाए और बड़े बेटे को बच्चा। हमारा परिवार पूरा हो जाएगा जी। दलजीत जी, मैं सोच रही थी आज डॉक्टर के पास चली जाऊं, उस दिन भी नहीं जा पाई थी। आप मम्मी जी से कह देना कि मैं 4-5 घंटे के लिए मायके जा रही हूँ, इसी बहाने डॉक्टर से चेकअप भी करा लूंगी। तेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा ना। हाँ जाओ मायके हुआ, लेकिन 3-4 घंटे में वापस आ जाना, घर पे तैयारी कर। अगर मायके जाना है तो परमिशन अपनी सास से लेनी पड़ती है, पति से नहीं। जाओ जाके आओ। ये सब माता रानी, आप ही इन्हें समझाइए ना कि मुझे आप कोई एडवाइस ना दें। दादी प्लीज, अब मुझे आपकी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। लेकिन ये क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि
अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। किसी पर भरोसा करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफें मिलेंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। नमस्कार डीएसपी साहब। नमस्कार, आइए आइए, डीआईजी साहब अंदर है। कमान कमान, यस शाबाश, यस मोर हार्ड शाबाश। गुड मॉर्निंग सर।